तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब डे फोर की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, जवान के डे फोर की यानी कल फर्स्ट संडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है। कल सुबह से क्या कितनी कमाई करी है अभी पूरा एक एक करके बात करेंगे, डिटेल टू डिटेल। हिंदी में कितना कलेक्शन किया आपने फर्स्ट संडे में, और वर्ल्ड वाइड कितनी कलेक्शन करी है फर्स्ट संडे में, और टोटल कल पूरे पहले चार दिन का टोटल कलेक्शन हिंदी से कितना होता है, नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पहले चार दिन में कितना कलेक्शन होता है, पूरी दुनिया से पहले चार दिन में कितना कलेक्शन होता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना और एक एक करके भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कल संडे फुल डे जो ऑक्यूपेंसी रेट थी मॉर्निंग टू इवनिंग से लेकर नाइट तक 80% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ मूवी ने लगातार ट्रेंड किया है। कल फुल डे लगातार हाउसफुल बैनर के साथ मूवी जबरदस्त ट्रेंड करते हुए चली। लेकिन कल मूवी ने मार खाई है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो गया, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना होता तो शायद यहां पर और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती थी। लेकिन अमेजिंग ग्रोथ करिए, डे फोर में भी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ा है। फर्स्ट संडे में जो ग्रोथ देखने को मिलती थी और भी फिल्मों से, साउथ की फिल्मों से हो गई या बॉलीवुड की फिल्मों से, तो इन सारी फिल्मों को जो फर्स्ट संडे में कलेक्शन रहा है इससे कहीं गुना आगे रहा है। मतलब हिंदी में तो कोई दूर दूर तक जवान के आसपास दिख ही नहीं रहा है। कल फर्स्ट संडे में जो हिंदी में कलेक्शन किया है, देखो सैटरडे को 68 करोड़ का कलेक्शन था डे थ्री में, तो हिंदी में कल संडे को कितना कलेक्शन किया वो आगे भी बताऊंगा। अमेजिंग 3 करोड़ ज़्यादा ही किया, 68 करोड़, चलो अभी बता ही देता हूँ, 71 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ हिंदी से किया है कल डे फोर में पूरी दिन पर मूवी ने। तो हिंदी से अभी तक कोई भी फिल्म इतनी बड़ी ह्यूज कलेक्शन नहीं कर पाई थी, ना बाहुबली 2, ना KGF 2, ना RRR, ना पठान के तो रिकॉर्ड ये फर्स्ट डे से ही तोड़ते आ रही। और मैं कहूँगा SRK की जो पुरानी फिल्में थी जो अभी 3-4 साल पहले ये जीरो हो गई, फैन हो गई, ये बहुत ही बुरी तरीके से पिट गई थी। तो SRK उस टाइम खामोश थे और क्या कहते, 4 साल का जो गैप लिया उसके बाद जब पठान से उन्होंने कम बैक किया, पठान तो मतलब एक झांकी ये थी सही में, जो स्लोगन चला था ना बीच में कि पठान झांकी थी और जवान अभी बाकी है, सही में वो बात सही निकली। पठान सिर्फ झांकी थी, पठान एक हिसाब से इंट्रो कह सकते हैं SRK के कमबैक का इंट्रो, और जो फाड़ के कमबैक किया है अब जवान में, मतलब काबिले तारीफ, मतलब ऐसी ग्रोथ नहीं देखी बाय गॉड। तो कल डे फोर की हिंदी से मूवी ने 71 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो अनबिलीवेबल नंबर। तो पहले चार दिन में ही सिर्फ हिंदी से मूवी ने 251 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, और ये सिर्फ लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है कई फिल्मों का बॉलीवुड में, और सिर्फ हिंदी से मूवी ने 250 करोड़ का कलेक्शन पहले चार दिन में कर लिया है। इसी के साथ बात करें पूरी दुनिया में टोटल कलेक्शन कितना किया है, तो 135 करोड़ का होल्ड किया है पूरी दुनिया से मूवी ने कल सुबह मॉर्निंग से ही नाइट तक। दिन भर में अच्छा खासा क्राउड देखने को मिला, दिन भर अच्छा खासा हाउसफुल बैनर के साथ मूवी लगातार ट्रेंड करती रही। सुबह मॉर्निंग से ही 60% की ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिली थी, इवनिंग तक 80% की, उसके बाद इवनिंग से थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी रेट गिर गया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, जिसकी वजह से काफी ग्रोथ डाउन देखने को मिली। तो पहले चार दिन में पूरी दुनिया से मूवी कितना कलेक्शन कर लेती है, पूरी दुनिया से पहले तीन दिन में कितना था, 384 करोड़, मतलब या राउंड फिगर में आप 385 करोड़ कह सकते हो। तो पहले चार दिन में पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक अपने फर्स्ट संडे में मूवी ने कंप्लीट करा है 520.79 करोड़, राउंड फिगर में 521 करोड़ मान के चलो भाई साहब, अमेजिंग। ये लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है जो एवरेज से थोड़ा ऊपर मूवी होती हैं बहुत सी फिल्मों के लिए, लाइक मैं यहाँ किसी का नाम नहीं बोलना चाहता, खाली फैंस में और पंगा हो जाएगा और कुछ नहीं। तो 521 करोड़ लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, लेकिन मूवी ने सिर्फ चार दिन में ही 521 करोड़ कंप्लीट कर लिए हैं। कल अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो बाय गॉड जो 135 करोड़ का आंकड़ा कल पूरी दुनिया से आया है, मैं मान के चल रहा हूँ 150 करोड़ का आंकड़ा आता, और भी ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन होती। हिंदी से जो 71 करोड़ की कमाई देखने को मिल रही है कल पूरे दिन, मैं मान के चल रहा था 75 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, और करती क्योंकि अगर मैच ना होता तो बाय गॉड। तो मूवी जबरदस्त ग्रो कर रही है, मूवी लगातार आगे बढ़ रही है, हर दिन अनबिलीवेबल नंबर देखे जा रही, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता ऐसे आंकड़े रोज देखे जा रही। तो अब आप लोगों का क्या कहना है कि मूवी 8 दिन के अंदर अंदर क्या 1000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी, और गदर 2 के जो 24 दिन में हिंदी से 524 करोड़ के आसपास जो कंप्लीट कर रहे थे, क्या ये मूवी 10 दिन के अंदर ही हिंदी से 524 करोड़ कवर अप कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स पर। और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मैं हर वीडियो में कह रहा हूं लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी
भी कितना कर सकती है, मेरे अनुमान से 1500 करोड़ टच करेगी ही करेगी। आपको क्या लगता है, क्या 1500 करोड़ से भी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, या 1800 करोड़ या 2000 करोड़? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।